तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंच चुकी हैं, बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आज जबलपुर में प्रियंका गांधी चुनावी रैली करेंगी, यहां से शंखनाद कर रही हैं कांग्रेस के चुनाव अभियान का। कमलनाथ उनके साथ में मौजूद है, देखिए नर्मदा पूजा का कार्यक्रम है और देखिए रैली में भी आपको नजर आएगा बजरंग बली। रैली में, कांग्रेस की रैली में बजरंग बली नजर आ रहे हैं और जगह जगह सजावट के दौरान भी आपको कहीं पर हनुमान जी की गदा नजर आ जाएगी, कहीं स्वयं हनुमान जी नजर आ जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस ने ठाना है सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जाना है। तस्वीरें देखिए, नर्मदा पूजा के लिए तैयारी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें जिनका जिक्र आपसे अभी न्यूज इंडिया ने किया कि जगह जगह हनुमान जी की गदा लगाई गई है और ये हनुमान जी की गदा नहीं कर्नाटक की जीत का प्रचार है। यह महासंकल्प कांग्रेस की विजय के लिए सर्व कार्यों के सिद्ध कर शंखनाद के साथ प्रचार 2024 के लिए हमारे पूर्व वित्त मंत्री क्षेत्र के विधायक। और देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी, कमलनाथ और उनके साथ में तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पीछे बजरंगबली विराजमान है। ये संदेश अपने आप में इस बात को मुखरता के साथ में प्रचारित करने के लिए काफी कि कांग्रेस किस राह पर चल पड़ी है अब और बीजेपी को भी जरूर खुशी होती होगी कि कुछ सिखाया या नहीं सिखाया, राजनीति जरूर सिखा दी है। जबलपुर में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, अब से कुछ देर के बाद नर्मदा पूजा के बाद वो जनसभा को संबोधित भी करती नजर आएंगी। रवि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रवि, क्या कुछ अपडेट? देखिए जबलपुर का रुख आज प्रियंका गांधी ने किया है और कर्नाटक की जीत के बाद जगह जगह हनुमान जी और हनुमान जी की गदा इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि 2024 का एजेंडा तो क्लियर है। पूजा, देखिए आपको पिछले विधानसभा चुनाव याद करना पड़ेगा मध्य प्रदेश का, क्योंकि हनुमान भक्त कहते हैं कमलनाथ अपने आप को। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जगह जगह पर हनुमान जी का गदा और बजरंग बली का जिक्र जो है कमलनाथ के द्वारा किया जा रहा था, तो इस बार भी ऐसा हो रहा है। अलग इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि तकरीबन 4-5 महीना पहले जो है विधानसभा चुनाव का आगाज कांग्रेस पार्टी कर रही है। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, जब चुनाव होते हैं उसके कुछ महीने पहले ही जो कांग्रेस के जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो सक्रिय होते हुए नजर आते हैं, पर तकरीबन 4 महीने का वक्त अभी है चुनाव में और इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो है जबलपुर पहुंच चुकी है, वहां पे चुनावी रैली करने वाली है। बड़ा एक शंखनाद होगा विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कितनी सक्रिय कांग्रेस पार्टी फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के 6-5 महीने पहले सक्रिय हो जाती, संगठन को मजबूत करना, ग्राउंड पर जाना, चुनावी सभा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल रहा है। पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब तुरंत जो है मध्य प्रदेश चुनाव में जीत गई, यानी कि कोई कोर कसर जो है कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, हर आयाम को कांग्रेस मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, लगातार कोशिश और कवायद यही हो रही है कि जो संगठन मजबूत किया जाए और जो संगठन तरीके से दूर किया जाए, कड़ी में लगातार कदम उठाया जा रहा है और गांधी परिवार। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बीच तमाम बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर फतह की तैयारी में है कांग्रेस, कई प्रदेशों में नई टीम का गठन हो सकता है, कई प्रदेशों के प्रभारी बदले जा सकते हैं, यहां तक कि प्रभारी के साथ साथ महाराष्ट्र में पूरा कुनबा तब्दील कर देने की भी तैयारी है। कई राज्यों में अध्यक्ष से प्रभारी तक में तब्दीली देखने को मिल सकती है। तो एक तरफ आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में प्री प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है कांग्रेस, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट देखिए कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में, तस्वीरें देखिए, नर्मदा पूजन कर रही हैं
प्रियंका गांधी हाथ में रुद्राक्ष की माला है, पीछे बजरंग बली है, साथ में कमलनाथ हैं जो अपने आप को बजरंग बली का भक्त कहते हैं, और जगह है जबलपुर। जबलपुर की ज्यादातर सीटों पे कांग्रेस का होल्ड बहुत बेहतरीन है। यहाँ से पिछले चुनावों के दौरान सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई थी। तो बेहद खास हो जाती है ये तस्वीरें ऐसे मौके पर जब कांग्रेस को रूट लेवल पर कहा जाता है कि वो तैयारियों से भागती है या ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं करना चाहती। ऐसे में 4 महीने पहले बिगुल फूंक कर प्रियंका गांधी इस बात को पुरानी बात साबित करने की कड़ी में जुट गई है। और देखिए नर्मदा पूजन के दौरान संकल्प कर रही है प्रियंका गांधी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंच रही थी तो इंटेलिजेंस को उनकी सुरक्षा को लेकर के भी तमाम तरह के थ्रेट्स मिले थे। यही वजह है कि 200 से ज्यादा जवानों का सुरक्षा घेरा उनके लिए तैनात किया गया। ये रैली जबलपुर के महाकौशल में हो रही है। महाकौशल में इस समय कांग्रेस का तमाम कुनबा मौजूद है। हमारे अतिथिगण बाकी सभी लोग वहां से दूर हो जाएं, हमारे अतिथिगणों से बाकी सब लोग दूर हो जाएं। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी की आरती करेंगी, सभी लोग वहां से दूर हो जाएं। कृपया फोटोग्राफ यहां पर ना लें, अव्यवस्था फैलेगी। आरती की तैयारी करें, शीघ्रता से आरती प्रदान करें। और आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय विवेक कृष्ण तनखा जी, हमारे सभी विधायकगण, माननीय महापौर जी, माननीय शशांक शेखर जी, सभी लोग यहाँ पर आरती ग्रहण करेंगे। आरती करेंगे भैया, लगभग 8 मिनट की आरती। देखिए इस चुनाव अभियान में चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है समझिए। कर्नाटक में 5 गारंटी के साथ उतरी थी कांग्रेस और वहां पर फतेह हासिल करी थी। ठीक उसी तरीके से 5 प्रतिज्ञाओं का जिक्र कमलनाथ पहले ही कर चुके हैं जिनको दोहराएंगी यहां पर प्रियंका गांधी, जिनमें मुफ्त बिजली, कृषि ऋण को माफ करना, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देना और इसके साथ ही अन्य कल्याणकारी उपाय शामिल किए गए। कर्नाटका में भी ठीक ऐसा ही दाव चला कांग्रेस ने और अभी हाल ही में लाडली बहना योजना का तोड़ निकालने के लिए 5 प्रतिज्ञाओं का जिक्र कांग्रेस ने पहले ही किया है जिसको दोहराएंगी प्रियंका गांधी। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 8 जिलों के संभाग में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बाकी की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। यानी कि बीजेपी का होल्ड सीट पर लगभग ना के बराबर, और अगर होल्ड स्थापित करना चाहती है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही वजह है कि महाकौशल को चुना है कांग्रेस ने शंखनाथ के लिए। और जब आप जबलपुर का जिक्र करेंगे, जबलपुर की भौगोलिक स्थिति और जिस तरह का वहां का सियासी समीकरण रहा है, जबलपुर की जनता अपने आप को हमेशा से ही बीजेपी पार्टी की ओर से उपेक्षित महसूस करती आई है। उस उपेक्षा को, उस गुस्से को कुरेदने का काम भी कांग्रेस यहां से करेगी।
क्योंकि जो चिंगारी फूटेगी वो ज्वाला में तब्दील होगी, इस बात की आशंका कांग्रेस को शुरुआत से ही है। यह आशंका, ये संभावना क्या वाकई धरातल पर पेड़ बनकर तब्दील हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, आरंभ अच्छा है। देखिए, प्रियंका गांधी आज यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन राहुल गांधी जिस दौरान भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से नहीं गुजरी थी, जबकि कांग्रेस का होल्ड बहुत अच्छा है। विवेक तनखा ने हाल ही में इस बात को दोहराया, जब वो कांग्रेस के इस चुनाव प्रचार अभियान का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। रवि जुड़े हुए हमारे साथ में, रवि का रुख करेंगे। रवि, हम महाकौशल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम जबलपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 13 में से 11 सीटों पर सीधे सीधे कांग्रेस का होल्ड है। वो गुस्सा, वो आक्रोश लोगों का बीजेपी के प्रति, जो कांग्रेस भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, और तस्वीरें साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। रवि जुड़े हैं हमारे साथ में, लगता है और मनोबल भी बढ़ जाता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, जब आप चुनाव बड़े प्रदेशों में का अगर चुनाव अगर आप जीतते हैं तो मनोबल भी बढ़ता है। और देखिए, कर्नाटक जीत के बाद और वहां पर भी बजरंग बली का जिस तरीके से लगातार जिक्र हो रहा था, बजरंग दल और बजरंग बली को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बताया कि बजरंग दल और बजरंग बली में बहुत अंतर है, बजरंग दल बजरंग बली को किसी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो एक अंतर बताने का कांग्रेस पार्टी ने कोशिश किया और जीत भी हासिल हुई। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे चल रही है। लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है, इसकी तैयारी देखिए मध्य प्रदेश से हो चुकी है। ना सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारी है, ये लोकसभा चुनाव की भी तैयारी है, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव में जाना है। तो तैयारियां जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई, और जबलपुर खास तौर पे इसलिए चुना गया है क्योंकि जबलपुर देश का केंद्र बिंदु भी माना जाता है, और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि गांधी परिवार से प्रियंका गांधी वाड्रा भी लोकसभा चुनाव जबलपुर से लड़ सकती है। एक मांग कांग्रेस पार्टी के जो मध्य प्रदेश इकाई के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो मांग उठी थी कि प्रियंका गांधी को यहाँ आना चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए, पर अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्या होता है। पर मांग कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई की तरफ से उठी थी कि जबलपुर से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ना चाहिए, इससे मैसेज जो है पूरे देश भर में जाएगा और खासतौर पर हिंदी पट्टी में मैसेज से जाएगा, क्योंकि दक्षिण में तो कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है, और अगर मध्य प्रदेश प्रियंका गांधी आती है तो एक प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। तो एक बिल्कुल, यहाँ पर रवि आपने हिंदी पट्टी का जिक्र किया है, तो तमाम दर्शकों को बता दें, महाकौशल क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, महाकौशल ये क्षेत्र है जहाँ पर नर्मदा पूजन कर रही है प्रियंका गांधी, ये क्षेत्र विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र को भी टच करता है। यानी कि 2024 को अगर आप कांग्रेस की 2024 के प्लान को देखेंगे तो उसको भी सशक्त करता है ये क्षेत्र। महाकौशल क्षेत्र से विंध्य को भी मजबूती मिलेगी, बुंदेलखंड क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी, साथ में यहाँ पर आदिवासी मतदाताओं की बड़ी तादाद देखने को मिलती है जो ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आदिवासियों के पक्ष में भूपेश बघेल ने योजनाएं चलाई हैं वो कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल रहा है। रवि, बिल्कुल, देखिए जो योजनाएं चलाई जा रही है प्रदेश की, और खासतौर पे देखिए कर्नाटक के बाद जिस तरीके से वहां पर वादे किए गए थे और वादे एक एक करके पूरा किया जा रहा है, गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमने वादा किया वो एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं, चाहे महिलाओं को बस में फ्री सेवा की बात हो या फिर आर्थिक पैसा देने की बात हो, आर्थिक मामला हो, तो एक एक करके वो योजनाएं बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं चल रही है, चाहे वो गोधन योजना हो, उसका भी जिक्र मध्य प्रदेश में आपको नजर आएगा कि गांधी परिवार की तरफ से किया गया था, और प्रियंका गांधी भी आज ऐलान करेंगी, कमलनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सरकार में अगर आएंगे तो क्या क्या जनता के लिए वो सुविधाएं देने वाले हैं, किन योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो इस तरह की योजनाओं का जिक्र कमलनाथ कर चुके हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी आपको नजर आएंगी वो तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए। और जिन राज्यों में मौजूदा कांग्रेस की सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश का बात हो, जो वहाँ पर जिक्र किया गया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे, उसका भी मध्य प्रदेश में जिक्र करते हुए नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा कि हमने जो वादा किया था, जिन राज्यों में हमारी सरकार बनी उन तमाम वादों को हमने पूरा करने का काम किया है, और उस ओर मध्य प्रदेश में भी हम आगे बढ़ेंगे अगर हमें बहुमत मिलता है, हमें सत्ता में अगर भागीदारी मिलती है तो।
और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे नर्मदा की पूजा करने की बात हो, वहाँ पर हनुमान जी का जिक्र हो, ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये पूरा विधानसभा चुनाव हो, चाहे राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या उसके बाद लोकसभा चुनाव, सॉफ्ट हिंदुत्व पर ही कांग्रेस पार्टी जाने वाली है। और कांग्रेस के जो एक धड़ा है उसको ऐसा लगता है कि इससे फ़ायदा उन्हें मिलने लगा है और जनता कांग्रेस की ओर देखने लगी है, तो इस बात का जिक्र और चित्रों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दर्शाया जा रहा है, चाहे वो बजरंग बली हो या फिर कर्नाटक में बजरंग बली का जिक्र करना हो, छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे वहाँ के भी नेता जो है बजरंग बली का जिक्र करने लगे हैं, और मध्य प्रदेश में खासतौर पर जो वहाँ के विधायक हैं वो भी कहने मध्य प्रदेश में बजरंग बली का जिक्र पिछले एक महीने से लगातार वहाँ पर किया जा रहा है, और कमलनाथ ऐसे भी हनुमान भक्त माने जाते हैं, तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी बजरंग बली का गदा हो या फिर उनका जिक्र हो लगातार कमलनाथ के द्वारा किया जा रहा था, और इस विधानसभा चुनाव में भी अब से तैयारियां शुरू हो चुकी है, और चार महीने पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का मतलब स्पष्ट है कि संगठन की जो कमजोरी है उसे भी दूर करने की कोशिश होगी, कि संगठन में जो कमजोरी है, जो ग्राउंड पर जो संगठन के जो नेता हैं उन्हें किस तरीके से सक्रिय किया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश में नाराजगी उतनी ज़्यादा नहीं है, चाहे कमलनाथ का खेमा हो या फिर दिग्विजय सिंह का खेमा हो, तो नाराजगी वहाँ पर उतनी ज्यादा नहीं है जितना और प्रदेशों में है, जैसा राजस्थान में हम देखते हैं। रवि देखिए 2018 का जिक्र लाजिम हो जाता है, 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस की जीत हुई और कांग्रेस की जीत के बाद 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शिफ्ट हो जाने के बाद सरकार में कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।